बड़ी और अच्छी खबर ही पर बता दें कि मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवन खातिर काहे से कि अब मध्य प्रदेश के ऐसन कॉलेज सरकारी हाँ ओमा असिस्टेंट प्रोफेसर के पद में भर्ती की जा रही है। बता दें कि भर्ती के प्रक्रिया जो है नवंबर के महीना में शुरू हो सकती है और एक खातिर तेजी से काम चल रहा है। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में पूजा अपना पंचे सब जने का प्रोग्राम कहते शुरू गए थे बड़ी खबर से। बताई दे के मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजन में असिस्टेंट प्रोफेसर के ऐसा पद जो रिक्त पड़े हैं उमा भर्ती के काम जो है शुरू हो चुका है। उच्च शिक्षा विभाग अभी मामला में तेजी से काम कर रहा है। माना यह जा रहा है कि नवम्बर के महीना में भर्ती प्रक्रिया करे खातिर नोटिफिकेशन आ सकत है और एक खातिर उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का भर्ती प्रक्रिया खातिर पत्राचार करे के बात कही गई है। बता दी कि जो मेरे जानकारी मिला लाही ओके मुताबिक हाल में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव इठे उच्च बैठक ले रहे हैं जहां उच्च शिक्षा विभाग के जान अधिकारी के साथ यह बैठक की गई रही। बैठक के समय रिक्त पड़े पदन व भर्ती के प्रक्रिया में होए वाले देरी का लेके नाराजगी जताए रहे हैं। जेके बाद अधिकारी का निर्देश दिन गया रहा कि भर्ती जो रिक्त पद हाँ ओमा भर्ती की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी जो है पूरी की जाए। बता दी कि जो मे की जानकारी मिल रही है उसके तहत मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजन में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पद खाली पड़े हैं उनमें से 5% पदन में MP सरकार भर्ती करे खातिर अपन सहमति जो है दे चुकी हैं। इसके मुताबिक अब सरकारी कॉलेजन में जो शिक्षकन के कमी है कुछ हद तक दूर की जा सकी और एक साथ है ऐसा लोग जो बेरोजगार हाँ रोजगार के तलाश में शिक्षा के क्षेत्र में हाँ तो उनका नौकरी की या उम्मीद मिल रहा मिल रहा है। तो दे इजाजत रखिए अपन और अपने परिवार के ख्याल रखना।